हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ब्लॉक 3 कवर कर रहे थे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड कंसर्न। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वेस्ट मैनेजमेंट, और पिछले क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन हजार्डस वेस्ट और कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट करा दिए थे। वेस्ट मैनेजमेंट पूरा कवर नहीं हुआ था, मैं आपको बस दो ही टॉपिक बताई थी। जल्दी से एक बार देख लेते हैं वो क्या क्या था। सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि वेस्ट को मैनेज करने के 4 स्ट्रैटेजी है। इसके बाद मैं आपको बताई थी कि किस तरीके से रिसाइकिल करके हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल के क्या बेनिफिट्स है, उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, वेस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जाता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट को किस तरीके से हम रिसाइकिल करेंगे। ये पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इंडस्ट्री में रिसाइकिल की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। वेस्ट को 5 तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहला क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट, फिर है केमिकल ट्रीटमेंट, फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सॉलिडिफिकेशन और इनकाइनरेशन। एक एक करके समझते हैं कि इन 5 तरीके से हम वेस्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में मेनली हम क्या करते हैं, सेपरेशन, ठीक है, यानी कि सपोज वेस्ट किसी टैंक में, तो उससे हम इम्प्योरिटीज़ को कैसे सेपरेट करें, वो प्रोसेस हो गया हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद अगला क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस में होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ है उसे हम किस तरीके से ब्रेक करें, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ हजार्डस वेस्ट, ये इंक्लूड होगा हमारा केमिकल ट्रीटमेंट में। समझ गए? तो यहाँ तक करके हमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिल जाएंगे। ये कलेक्टिव जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जितना इम्प्योरिटीज़ इस वेस्ट से निकला उसे हम मिला के क्या कहेंगे, स्लज, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्लज क्या है, तो वो है द ग्रॉस इम्प्योरिटीज़ ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज के ट्रीटमेंट के वजह से जो हमें सारे इम्प्योरिटीज़ मिले हैं वही है स्लज। अब इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इसी स्लज को यूज़ किया जाता है, यानी कि अब जो वेस्ट था हमारा उसे डिस्पोज करने का टाइम आ गया, तो उस डिस्पोज करने से पहले इस स्लज को हम ट्रीट कर देंगे, उसके बाद ही डिस्पोज करेंगे। तो यहाँ से आप समझ गए तीनों ट्रीटमेंट, ठीक है। फिजिकल में क्या था कि सेपरेट कर दो, केमिकल में था कि जो इम्प्योरिटीज़ मिला उसे ब्रेक डाउन करो, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो सारा इम्प्योरिटीज़ था वो था स्लज, और स्लज को हम ट्रीट कर दिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, अब हम करेंगे डिस्पोज, ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम स्लज को ट्रीट कर रहे हैं। स्लज को ट्रीट करने का 3 टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, CONDITIONING, कंडीशनिंग। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो स्लज है उसे एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन पीरियड के लिए। ये पीरियड तब तक का होगा जब तक हमारा स्लज सही से ट्रीट ना हो जाए। फिर अगला प्रोसेस है डाइजेशन, ठीक है, DIGESTION, डाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्लज को ट्रीट कराया जाता है बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया क्या करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, ये हो गया डाइजेशन। उसके बाद तीसरा क्या है, कंपोजिटिंग, COMPOSTING। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट स्लज का ऑर्गेनिक मैटर है उसे कन्वर्ट कराया जाता है यूजेबल मटेरियल में, ठीक है। ऐसे मटेरियल में हम कन्वर्ट करेंगे वेस्ट के स्लज को जिसे हम यूज़ कर सकें। तो ये 3 तरीका है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने का, ठीक है। तो देखो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने का मैं आपको 3 तरीका बता दी, कंडीशनिंग, डाइजेशन और कंपोजिटिंग। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये तो आपने सुना ही होगा और आपके बुक में भी लिखा हुआ है, और इसके ट्रीटमेंट प्रोसेस को मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, तो ये मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी। आपको बस दिखाने के लिए मैं लगा दी कि ये आपके चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम बात ही कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसीलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को तो इंक्लूड करना ही था, इसीलिए आप इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे क्या था हमारा, सॉलिडिफिकेशन। ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं इन सॉल्यूबल हार्ड मटेरियल में, यानी कि हम इसे किसी जगह पर डिस्पोज कर देंगे, यानी कि हम लैंडफिल पे जाके इसे फेंक देंगे। तो उसके पहले क्या करना है, जो वेस्ट है ना उसे कन्वर्ट कर दो आप किसी हार्ड मटेरियल में, ताकि उसे डिस्पोज करने में आसानी हो, और इससे क्या होगा, वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, सॉलिड वेस्ट है ना। तो इसमें अक्सर होता क्या है, जो वेस्ट है उसमें मिक्स कर दिया जाता है कुछ रिएक्टेंट्स, जिससे वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसे लैंडफिल पे फेंकना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन का मतलब समझ गए, लिक्विड वेस्ट को सॉलिड हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद अगला है इनकाइनरेशन,
ये भी एक अच्छा मेथड है। इस मेथड को हम बोलेंगे मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो वेस्ट में टॉक्सिक पोर्शन है ना उसे हटा दो। ये हो गया हमारा इनकाइनेरेशन। तो इन सारे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, हजार्डस वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट तो कर दिए, तो क्या वो वेस्ट वेस्ट नहीं रहा? रहा ना। तो इसीलिए अब टॉपिक दिया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखो होता क्या है, जब हम किसी भी वेस्ट को डिस्पोज करते हैं उससे पहले चार पॉसिबिलिटी होती है। क्या क्या चार पॉसिबिलिटी है? सबसे पहला है रिडक्शन इन रॉ मटेरियल्स एंड सॉलिड वेस्ट क्वांटिटीज, फिर है रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसके बाद है मटेरियल रिकवरी और एनर्जी रिकवरी। एक एक करके समझो। सबसे पहला क्या कहा जा रहा है, रिडक्शन इन रॉ मटेरियल एंड सॉलिड वेस्ट। तो इसे अचीव करने का तीन तरीका है। कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है रिड्यूस कर दो मटेरियल, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसके अमाउंट को कम कर दो। कम अमाउंट रहेगा तो कम गंदगी फैलेगी। उसके बाद दूसरा है इंक्रीज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लाइफ को इंक्रीज कर दो। जितना ज़्यादा दिन वो चलेगा उतना कम चांस होगा वेस्ट फैलने का, ठीक है। फिर तीसरा है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर पैकिंग द कंज्यूमर गुड, यानी कि कोई सामान को पैक करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसे कम कर दो। जैसे डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, अगर हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो हमें दुकानदार उसे प्लास्टिक में देता है, तो उस प्लास्टिक को ही कम कर दो। प्लास्टिक लो ही मत, आप सिर्फ सामान लेके आओ। तो उससे क्या होगा, मटेरियल कम होगा, मटेरियल कम होगा तो वेस्ट भी कम होगा। तो ये तरीका था रॉ मटेरियल या सॉलिड वेस्ट को कम कर दो, ठीक है। उसके बाद अगला है रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो वेस्ट पड़ा है उसे किसी तरीके से रीयूज कर लो। जैसे कल मैं एग्जांपल दी थी कि कोक के कैन को हम प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर उससे हम कोई अपना क्रिएटिविटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, वेस्ट मटेरियल रीयूज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी एक कंडीशन है कि उस वेस्ट मटेरियल में कैपेसिटी होना चाहिए कि हम उसे एक से ज्यादा सामानों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कैन के पास कैपेसिटी है कि हम उसका कोक पी लें और वापस उसमें कोई क्रिएटिव वर्क कर ले, उससे पेन स्टैंड बना दे, उसमें कोई पौधा लगा दे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, वेस्ट मटेरियल को रीयूज किया जा सकता है। हम अगर सोचेंगे तो किसी को भी रीयूज करके कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद अगला है मटेरियल्स रिकवरी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी मटेरियल खराब हो गया उसे कोशिश किया जाए कि वो वापस से रिकवर हो जाए। जैसे कि सपोज कोई सामान टूट जाता है तो उसे हम फेविक्विक लगा के चिपका देते हैं ना, तो वापस से रिकवर हो जाता है, कुछ दिन के लिए यूज हो जाता है। तो यही हुआ मटेरियल रिकवरी। अब इसमें भी कंडीशन है कि ये सारे मटेरियल में यूज नहीं होता, कुछ ही मटेरियल में यूज होता है। जैसे कि हमारा कार्डबोर्ड टूट गया तो उसे चलो हम फेविक्विक लगा के ठीक कर दें, लेकिन कुछ मटेरियल होंगे जिसमें इसका यूज नहीं होगा। जैसे कि क्या हो सकता है, फूड वेस्ट, खाना खराब हो गया है तो उसमें थोड़ी ना हम फेविक्विक लगा के ठीक कर देंगे, या फिर उसका कोई तरीका नहीं है कि उसे वापस से रिकवर किया जा सके। तो ये सारे कंडीशन है। उसके बाद है एनर्जी रिकवरी। अब ये क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि उसमें 70% जो कंपोनेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट में पोटेंशियल होता है कि उससे हम हीट एनर्जी को इंक्रीज कर सकें, ठीक है ना। तो अभी भी देखो कितने सारे जगह पे वेस्ट मैटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसे वेस्ट को पकड़ो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या हो, ऑर्गेनिक हो, उसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हीट जनरेट कराने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए। तो ये हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेज करने का तरीका। इसके बावजूद भी मान लो कोई ऐसा वेस्ट हो गया जो कोई काम का ही नहीं है, उसे फेंकना ही है, तो उसका भी कोई तरीका होगा ना कि उसे हम सेफली डिस्पोज कर सके। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एक टॉपिक दिया गया है। इसमें हम समझेंगे कि जो वेस्ट कोई काम का ही नहीं है उसे डिस्पोज करना ही है, उसे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी बेसिस पे वेस्ट को डिस्पोज करा सकते हैं। इसके लिए भी अच्छा प्लानिंग चाहिए ना कि हम अच्छे तरीके से इसे डिस्पोज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो चार तरीका दिया हुआ है जिसमें हम डिस्पोज कराते हैं। सबसे पहला है लैंडफिल डिस्पोजल, फिर है इनकाइनरेशन, डंपिंग एट सी, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। अब सबसे पहला है लैंडफिल डिस्पोजल, ये तो हम सभी जानते हैं। तो देखो मोस्टली कंट्री जो है यही मेथड अपनाती है वेस्ट को डिस्पोज कराने के लिए। अब इसके अंदर भी दो टर्म है, ओपन डंप और सैनिटरी लैंडफिल। हमारा जो कंट्री है ओपन डंप है, क्योंकि कहीं भी ले जाके फेंक दो, ये एक पुअर मेथड है वेस्ट डिस्पोजल कराने का, और इससे सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी, है ना। तो सैनिटरी लैंडफिल जो है इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट को ऐसे तरीके से फेंको जहाँ से वो लीक ना हो,
यानी कि कभी कभी क्या होता है, वेस्ट को हम डंप करते और हमारे आसपास के एरिया में फैल जाता है, वैसा नहीं करना है। वही है सैनिटरी लैंडफिल। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे क्या कर सकते हैं, हम ऐसे जगह पे डंप करेंगे जिसका कोई यूज ना हो, और फिर क्या होगा, वो आसपास फैलेगा नहीं तो हमारे इन्वायरमेंट कम डैमेज्ड होंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, इनकाइनरेशन। ये अभी मैं आपको बताई क्या था कि हजार्डस वेस्ट और नॉन हजार्डस वेस्ट को अलग कर दूं। अब इसमें से जो हजार्डस वेस्ट है उसको हम डिटॉक्सिफाई करेंगे, ठीक है, उसका टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करेंगे और तब जाके डंप करेंगे। इस तरीके से वेस्ट अच्छे से डिस्पोज हो जाएगा और उसमें टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, डंपिंग एट सी। इसमें क्या होता है कि डीप सी को चुना जाता है वेस्ट मटेरियल डिस्पोज कराने के लिए, ताकि हम ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को कम कर सके। तो डीप सी के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, बीच साइड में ही वेस्ट को डंप कर रहे हैं, ठीक है। डीप सी कहने का मतलब है कि जहाँ पे समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा हो वहाँ जाके फेंको, लेकिन फिर भी ये सही तरीका नहीं है। और ये डीप सी मेथड कंट्रोल होते हैं इंटरनेशनल लेजिस्लेशन से, और इंटरनेशनली ये बैन किया हुआ है कि हम कोई भी अपने हजार्डस वेस्ट को डंप करें डीप सी में, ठीक है। ये एक गलत तरीका है करने का। हम अपने वेस्ट को समुद्र में जाके फेंके, ये तो गलत तरीका हुआ ना। तो डंपिंग एट सी ये हम नहीं मानते हैं अच्छा, इसीलिए इसे हम अवॉइड करेंगे। लेकिन फिर भी बुक में लिखा हुआ है तो पढ़ने के लिए याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद अगला है अंडरग्राउंड डिस्पोजल। जैसे बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, तो इसे हम आसपास अपने एनवायरनमेंट में फेंके ये सही तरीका नहीं होगा। तो उसके लिए यूज़ होता है अंडरग्राउंड डिस्पोजल। और यहाँ पे भी कंडीशन है, वो जो अंडरग्राउंड हो वो एक्सेप्टेबल हो, ऐसा ना हो कि आप किसी पब्लिक प्लेस को चुनो या फिर हमारा अच्छा खासा जो इन्वायरमेंटल एरिया है जो बिल्कुल सही है वहाँ पे आप अंडरग्राउंड करके ये सारे को डिस्पोज नहीं करा सकते। तो इसे डिस्पोज कराने के लिए एक कोई अच्छा माइन खोजो, और वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके थ्रू आप इस वेस्ट को डिस्पोज कराओ, ठीक है। तो ये तरीका था वेस्ट को डिस्पोज कराने का। अब हम आगे टॉपिक पे मूव करते हैं। आगे है वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। सबसे पहले देखेंगे सोर्सेज ऑफ वेस्ट जनरेशन, कहाँ से वेस्ट जनरेट होता है। यहाँ पे तो हर कोई वेस्ट जनरेट कर रहा है ना, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जनरेशन कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री से, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से, है ना, फर्टिलाइज़र, ये भी क्या है, वेस्ट ही तो है। उसके बाद क्या हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, और भी बहुत सारे वेस्ट, है ना। उसके बाद ये जो हजार्डस वेस्ट है इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है प्रोसेस ओरिएंटेड। इसका मतलब होता है कि जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है ना, यानी कि जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है वो हो गया हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड वेस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल ओरिएंटेड, यानी कि वेस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ गैसियस एंड लिक्विड एफ्लुएंट्स। जब हम गैस और लिक्विड सब्सटेंस को ट्रीट करेंगे उस वक्त जो वेस्ट जनरेट होता है वो हो गया हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल ओरिएंटेड। तो ये दो टर्म था, ये आप समझ गए होंगे। और वेस्ट जनरेशन का क्या सोर्स है ये तो मैं आपको बता ही दी। फिर क्या कहा जा रहा है, प्रीवेलेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो बुक में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है, द हजार्डस वेस्ट आर मोस्टली डिस्पोज्ड वेयर एवर द स्पेस इज इजली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द वेस्ट जनरेटर। समझे क्या कहा जा रहा है, कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट ऐसे जगह डिस्पोज करो जहाँ पे स्पेस आपको आसानी से मिल जाए और वेस्ट जनरेटर को आसानी हो और वो जाके वहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज करा दे। ये है हमारे इंडिया का सबसे अच्छा तरीका वेस्ट को डिस्पोज कराने का। लेकिन फिर भी सबसे पहला है डिस्पोजल अलोंग विथ सिटी रिफ्यूज, यानी कि सिटी के आसपास के एरिया में आप वेस्ट को डिस्पोज नहीं करा सकते। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, डिस्पोजल ऑन रिवर बेड्स एंड बैंक। हमारे यहाँ ये तो होता ही है, जहाँ पे नदी बह रही है, जहाँ पे उसका किनारा है, वहाँ सारा वेस्ट को डिस्पोज करा दो। फिर है ओपन पिट बर्निंग, खुले मैदान में जहाँ कूड़ा फेंका हुआ है वहाँ पे आग लगा दो। उसके बाद है डिस्पोजल इन लो लाइंग एरियाज, एस्चुरीज एंड सी। हम अपने रिवर में डिस्पोज करा रहे तो समुद्र और एस्चुरी को कैसे छोड़ सकते हैं, वहाँ भी वेस्ट को डिस्पोज कराया जाता है ना। उसके बाद कहा जा रहा है बर्निंग इन सेल्फ डिजाइन इनकाइनरेटर। यहाँ पे क्या होता है कि एक खुद से डिजाइन कर दो कि यहाँ पे हमें सारा कचरा ला के फेंकना है और वहाँ पे ही आग लगा दो। ये भी एक तरीका है, हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ फॉलोअर है वेस्ट मैनेज के नाम पे, ठीक है। अब ये कितना सही है कितना गलत आप बेहतर जान रहे हो। इन सारे के बावजूद हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है वो नोटिफाई किए हैं वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016।
यानी 2016 में ही ये रूल बन गया था जिसमें हम वेस्ट को मैनेज करें। और ये रूल मैंडेटरी है सारे वेस्ट जनरेटर पे कि जो भी वेस्ट है उसे सेग्रीगेट करो, उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करो और हजार्ड वेस्ट जो उससे जनरेट हो रहा है उसे कम करने की कोशिश करो। और सेपरेटली कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल वर्कर को इन सारे कामों में लगाओ। ठीक है, तो ये सारे तो बस कहने को है, रूल बनता जाता है और हम सारे लोग उसे ब्रेक करते रहते हैं। ठीक है ना, फिर भी रूल तो बना हुआ है, अब इसे सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कराना ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। आगे है इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। अब तो हम देख लिए कि किस तरीके से वेस्ट डिस्पोज हो रहा है हमारे इंडिया में, अब कहा जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका अगर इस वेस्ट को हम सही तरीके से डिस्पोज ना कराए तो हमें पता है ना कि इन सारे से बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन फिर भी 5 तरीके जिससे ये हजार्डस वेस्ट हम ह्यूमंस तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या तरीका है। सबसे पहला है डायरेक्ट इंजेशन थ्रू ड्रिंकिंग। अगर हम डायरेक्ट नदियों का पानी पियेंगे तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट वो जो वेस्ट था वो हमारे मुँह के अंदर है ना, तो ये एक तरीका हो गया हम तक पहुँचने का। उसके बाद है इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेंट्स दैट वोलाटाइज फ्रॉम हीटेड वाटर, यानी कि गर्म पानी में से कुछ कंटामिनेट्स हम इनहेल करके अपने अंदर ले सकते हैं। फिर अगला बोल रहा है एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन ड्यूरिंग वॉशिंग एंड बाथिंग। तो अक्सर क्या होता है, रिवर में कुछ लोग नहाते तो हैं साथ में कपड़ा भी धोते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम में भी रिस्क होता है कि ये सारे वेस्ट हम तक एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद देखो ये सबसे अच्छा लाइन है, इंजेशन थ्रू कंजप्शन ऑफ गुड्स डेराइव फ्रॉम प्लांट और एनिमल एक्सपोज टू पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड पे तो हम पॉल्यूट कर रहे हैं, वो नीचे जाएगा ग्राउंड वाटर में, वहां से प्लांट को चाहिए पानी, वो तो ले लेगा। अब वो वेस्ट पहुंच गया प्लांट तक, जब प्लांट से हम फूड कंज्यूम करेंगे तो वो हम तक आ जाएगा। दूसरा केस क्या था, एनिमल्स। अब वो एनिमल्स पानी तो पियेंगे, पानी के थ्रू वेस्ट भी उसके अंदर, अब उसे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो भी तो वेस्ट हम तक आ गया ना। याद है मैं आपको पढ़ाई थी ना बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ये वाला केस है ना। तो इन्वायरमेंट की यही तो खास बात है, सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, समझ गए। फिर अगला देखो क्या कहा जा रहा है, एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन व्हेन हैंडलिंग कंटामिनेटेड सॉइल। सपोज मान लो कि जहाँ पे वेस्ट फेंका गया था आप वहाँ पे ही चले गए पेड़ लगाने के लिए, तो वो सॉइल को आप अपने हाथों से ही तो हटाओगे ना, तो उससे क्या होगा, वेस्ट आप तक पहुँच जाएंगे। तो देख रहे हो कि अगर सही से वेस्ट को डिस्पोज ना कराया जाए तो वो ह्यूमंस के पास ही आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंट को तो डिग्रेड करेंगे ही, ये सारे इम्पैक्ट है वेस्ट डिस्पोजल के। तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिए हैं। तो वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।